सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। देखो 2Fe3 प्लस एक्वस प्लस 2I नेगेटिव एक्वस टू गिव 2Fe2 प्लस एक्वस एंड I2 सॉलिड हैज ई नॉट सेल वैल्यू 0.236 वोल्ट एट 298 केल्विन। तो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। तो सबसे पहले बेटा यू नो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। इसमें एन कितना है बोलो? एन वैल्यू ऑफ एन इज टू है ना, क्योंकि Fe3+ से Fe2+ है ना, Fe3+ है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया बन गया Fe2+, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2Fe3+ है ना बेटा, तो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे है ना, और F की वैल्यू 96487, और E नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है 0.236, 2 × 96487 × 0.236, तो बेटा जी वैल्यू आ जाएगी 4,5542 जूल पर, और किलो जूल में बेटा बोले आ जाएगी 45.542 किलो जूल पर मोल। ओके बेटा 96500 भी करोगे तो भी चलेगा, बट जो एनसीईआरटी ने लिया है वैल्यू, मैं वो लिख रहा हूँ। वैसे जो बेटा 1F होता है ना, दैट इज इक्वल टू 1.602 × 10⁻¹⁹ × 6.022 × 10⁻²³। ये कूलम, ये पर, तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना आया। देखो 1.602 × 6.022, तो इट इज 96472 ये आता है, पर एनसीईआरटी ने लिया था 96487, इसलिए मैंने भी लिख दिया। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए ई नॉट सेल जो है बेटा, दैट इज इक्वल टू 0.059 बाई एन इंटू लॉग ऑफ के सी। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा लॉग ऑफ के सी इक्वल टू एन इंटू ई नॉट सेल बाई 0.059। एन की वैल्यू कितनी है? 2, 0.236 ओवर 0.059। तो बेटा इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो बेटा वैल्यू आती है 8। इसका मतलब बेटा केसी क्या हो जाएगा? 10⁻¹⁸,